हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जियो हिस्ट्री। और मैं फिर से अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। बहुत दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं और उसको बताने के लिए मेरे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, पर ये कह सकती हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है अच्छे कंटेंट्स डालने का और वीडियो बनाने का। लेकिन इतने सारे कमेंट देखने के बाद मुझे लगा कि एक वीडियो तो बनाना ज़रूरी है, और अब कोशिश होगी कि भले दो दिन तीन दिन में ही सही, लेकिन एक वीडियो ज़रूर डले। और क्योंकि बीएससी वाले बच्चों का जो फर्स्ट प्लेलिस्ट है जियोमॉर्फोलॉजी का, मैं उसी पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत से कमेंट्स में आया था कि मैम जियोमॉर्फोलॉजी के बाद आप क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी पढ़ाइए, क्योंकि ईयरली वाइज में जो पेपर वन जियोमॉर्फोलॉजी और पेपर टू मिनरोलॉजी एंड क्रिस्टलोग्राफी था, अब वो NEP 2020 के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेम जियोमॉर्फोलॉजी एंड सेकेंड सेम मिनरोलॉजी एंड क्रिस्टलोग्राफी, ऐसा ही कुछ सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। और मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मैं यहाँ के बच्चों को ध्यान में रखकर ही सिलेबस को पढ़ाती हूँ। बट इतना बेसिक होगा कि ये आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी काम ज़रूर आएगा। और एक और चीज़ का आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि केवल 32 से 35 वीडियो में ही मेरे 3,500 सब्सक्राइबर हैं, और सारे सब्सक्राइबर ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने लंबे समय तक वीडियो ना अपलोड करने के बाद भी मुझे सब्सक्राइब करके ही रखा, अनसब्सक्राइब नहीं किया। तो आप लोगों के इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मैंने पढ़ाने का टेक्निक थोड़ा चेंज कर दिया है। जो वाइट बोर्ड में मैं पढ़ाती थी, अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ाऊँगी, लैपटॉप स्क्रीन पर पढ़ाऊँगी। वो वीडियो आपको इफ़ेक्टिव लग रहा है कि नहीं, इस चीज़ को आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं हम आज के पहले टॉपिक क्रिस्टलोग्राफी पर, लेट्स सी। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्रिस्टलोग्राफी में, और मैं सृष्टि शर्मा हूँ, ये आप सभी जान रहे होंगे। आज का लेक्चर 5 से 6 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, कम भले हो सकता है, लेकिन बहुत जरूरी लेक्चर होगा, क्योंकि ये आपको बेसिक बताएगा। इसमें दो टर्म्स ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या उसको समझ ही नहीं पाते, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो दो टर्म्स ऐसे क्या है, और वो क्रिस्टलोग्राफी के बेसिक है, उससे ही क्रिस्टलोग्राफी आपका स्टार्ट होता है। तो ये बेसिक लेक्चर कुछ ही समय के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि देख रहे होंगे, व्हाट इज क्रिस्टल, यहाँ पर लिखा है व्हाट इज क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल के बारे में लिखा है व्हाट इज क्रिस्टल। तो इस पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो ये होमोजेनियस सॉलिड होता है, दूसरा एटम इज अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, थर्ड पॉइंट इज बाउंडेड बाय स्मूथ सरफेस। देखो, ये 3 टर्म जो है वो देखने में बड़े कठिन लग रहे होंगे कि ये आखिर कह क्या रहा है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये बोल रहा है एक होमोजीनियस सॉलिड है, कि जब भी हम किसी चीज को क्रिस्टल बोलेंगे, इसका मतलब कि वो क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। और कैसा सॉलिड होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, ठीक है। तो जैसे आप साइड में देखोगे, ये एक क्रिस्टल रखा हुआ है, और इस क्रिस्टल का नाम क्या है, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एटम इज अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। मैं आपको ये सारे पॉइंट्स और अच्छे से समझाऊंगी, अब बस सुन लीजिए। बोल रहा है कि इसमें जो एटम्स होंगे इस क्रिस्टल में, वो कैसे होंगे, रेगुलर पैटर्न में होंगे, रेगुलर मैनर में। इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो जमे हुए होंगे, कैसे होंगे आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट बोल रहा है बाउंडेड बाय स्मूथ सरफेस। ये तो आप सभी को दिख रहा होगा कि बाउंडेड बाय स्मूथ सरफेस का मतलब ये जो सरफेस है, ये जो ऊपरी वाला आपका एक सरफेस है, ऐसा ही आपका ये नीचे वाला एक सरफेस है, ऐसा ही आपका ये साइड वाला एक सरफेस है, ऐसा ही थर्ड सरफेस इधर होगा आपका, ऐसा ही चौथा सरफेस इधर होगा। एक सरफेस ऊपर तो देख ही लिए, इसके नीचे भी एक सरफेस होगा जो स्मूथ सरफेस है। तो ऐसे ही सभी तरफ से जो स्मूथ सरफेस से बाउंडेड होगा, घिरा होगा, ऐसे चीज को हम क्रिस्टल कहेंगे। अभी आई होप कि जितना मैंने टर्म्स कहा है ये आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट, इसमें एक सिंपल सा एक लाइन लिखा गया है,
कि सिंपली कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटिस एंड मोटिफ। किसका किसका कॉम्बिनेशन? एक लेटिस का, दूसरा मोटिफ का। अब ये लेटिस और मोटिफ के कॉम्बिनेशन को क्रिस्टल कहते हैं, ये तो हम सिंपली डेफिनेशन में बोल दिए, लेकिन अब ये लेटिस क्या है और मोटिफ क्या है, यही आज हम लोग को मेनली समझना है, क्योंकि यही दो टर्म है जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि ये मोटिफ और लेटिस क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ये आपका नेक्स्ट स्लाइड आ गया और इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज लेटिस एंड मोटिफ, दोनों को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि ये थोड़े सीधे ना दिख के थोड़े तिरछे दिख रहे हैं, क्योंकि ये मैंने खुद ही बनाया है तो हो सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि ये सब कुछ, ये जितने भी पॉइंट है सब एक ही लाइन में है, ये सारे एक ही लाइन में है, ये सारे एक ही लाइन में है, ठीक है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं लेटिस को। लेटिस का डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ पॉइंट्स। किस चीज का रेगुलर अरेंजमेंट? पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? लेटिस कहलाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस डायग्राम में कि ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसा एक रेगुलर पैटर्न बना हुआ है पॉइंट का। ऐसे ही दूसरा रेगुलर पैटर्न जो है ये ऊपर से नीचे बना हुआ है। अगर आप इसको 3D में देखोगे तो इसके पीछे भी ऐसे ही पॉइंट्स रेगुलर पैटर्न में बने होंगे। ये जो आपका डायग्राम है ये कैसा डायग्राम है आपका? ये आपका है 2D डायग्राम। तो 2D डायग्राम के कारण ये आपको सिर्फ फ्रंट फेस दिख रहा है। 3D डायग्राम में क्या होगा, इसके पीछे भी क्या होंगे? डॉट्स होंगे, है ना। इसके पीछे भी क्या होंगे? ऐसे डॉट्स होंगे। तो ऐसे रेगुलर पैटर्न में क्या होगा, वो बना होगा। तो आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा हटा देती हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक बहुत सारे पॉइंट जो है वो एक एक रिपीटिंग अरेंजमेंट हुआ है बहुत सारे पॉइंट का। ये भी पॉइंट ऐसा है, उसके जस्ट साइड में सेम वैसा पॉइंट, वैसे ही अगर आप ये हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं वैसे ही आप वर्टिकल देखो, ऐसा ही आप फ्रंट के फेज में भी देखोगे, ऐसा आप बैक फेज में भी देखोगे। तो एक 3D ऐसा रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है पॉइंट पर, जिसको हम कहते हैं लैटिस। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब भी नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरे तरीके से आपको और समझाने की कोशिश करूंगी। लेटिस के बाद दूसरा पॉइंट होता है आपका मोटिव, क्योंकि हमने कहा है कि क्रिस्टल लेटिस प्लस मोटिव होता है। तो लेटिस तो समझ आ गया कि रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? मोटिव। मोटिव में क्या हो रहा है? एन एटम और मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, ठीक है। एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स एसोसिएटेड विथ ईच लैटिस पॉइंट। क्या हो रहा है कि जो कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन्स जो है वो किसके साथ एसोसिएट होंगे? हर एक लैटिस पॉइंट के साथ हर एक एटम क्या होगा? एसोसिएट होगा, ठीक है। तो मोटिव क्या होगा? जब किसी लेटेस्ट पॉइंट में जा करके कोई एटम बैठ जाए तो उसको मोटिव कहेंगे। यही तो लिखा है कि एटम एसोसिएटेड विथ ईच लेटेस्ट पॉइंट, मतलब कि हर एक लेटेस्ट पॉइंट पे एक एक एटम जा करके बैठ गया और उसी को हम कहेंगे कि ये उसका मोटिव है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आप जैसे कि देख रहे होंगे कि ये वाला एक डायग्राम है, ये फर्स्ट वाला जो हम लोग देखे, ये सेकंड में आपको एक चीज दिख रहा होगा जिसमें मोटिफ लिखा है और थर्ड वन इज क्रिस्टल। तो हमने क्या कहा था, लेटिस प्लस मोटिफ इज इक्वल टू क्रिस्टल होता है, यही क्रिस्टल का डेफिनेशन है। तो मैंने क्या कहा कि जो मोटिफ है ये एटम है जो एसोसिएट होगा हर एक लेटिस पॉइंट के साथ, मतलब अगर मैं इस एक मोटिफ को उठा करके अगर इस लेटिस के एटम के ऊपर रख, लेटिस पॉइंट के ऊपर रख दूं, तो ये जो पॉइंट है, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो एरिया है, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो ब्लॉक इधर दिख रहा है आपको। सॉरी, यहाँ पर डायग्राम ठीक नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या होगा आपको यहाँ पर दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने इस ब्लॉक को उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो आपने क्या किया, एक मोटिफ को उठा करके लेटिस पॉइंट पर रख दिया। यही तो होता है आपका क्रिस्टल, समझ पा रहे हो। अब ये पहला मोटिव गया, ऐसे ही दूसरा लेटेस्ट पॉइंट है, इस पे एक और मोटिव जाकर बैठ जाएगा,
तो जब यहाँ पर सेकंड मोटिव बैठेगा तो आपको कौन सा वाला ब्लॉक दिखेगा, ये वाला ब्लॉक दिखेगा सेकंड नंबर का। वैसे ही ये थर्ड एक और मोटिव जा करके इस वाले ब्लॉक में बैठ गया तो आपको कौन सा वाला दिखेगा, ये वाला ब्लॉक दिखेगा। ऐसे ही सारे मोटिव सारे लेटेस्ट पॉइंट पे जाकर के बैठ जाएंगे, तो ऐसे ही आपको एक क्या देखने के लिए मिल जाएगा, एक क्रिस्टल देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से। इसको ही कहा गया है क्या, क्रिस्टल। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि लेटेस्ट क्या है, मोटिव क्या है और क्रिस्टल क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो क्रिस्टल है ये कैसे बनता है। तो ये बनता है यूनिट सेल से। यूनिट सेल का एक डेफिनेशन होता है द स्मॉलेस्ट रिपीटेशन ऑफ एंटायर क्रिस्टल, द स्मॉलेस्ट रिपीटेशन ऑफ एंटायर क्रिस्टल। जैसे कि आप यहाँ पर एक देखे होंगे ये थर्ड स्लाइड में कि आपको एक ये क्या मिल गया, एक पूरा क्रिस्टल मिल गया, ठीक है। अब यही क्रिस्टल कैसे बनता है देखो, अगर उसका छोटा छोटा ब्लॉक लेंगे तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो एक क्यूबिक लैटिस दिख रहा है आपको, सिंपल क्यूबिक लैटिस है, और यहाँ पर आपको एक दिख रहा है क्या, लैटिस। लैटिस में क्या बैठे हुए हैं, एटम। एटम को इन दोनों को मिलाकर क्या कहा गया, मोटिफ कहा गया, ये दिख रहा है आपको। अब ये क्या है, केवल एक ही ब्लॉक है। तो कितना ब्लॉक है, केवल एक ही ब्लॉक है, ठीक है। यही ब्लॉक्स की जब बिल्डिंग्स बन जाए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप अगर केवल ये वाला पार्ट देखेंगे, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक यूनिट सेल को। यही दूसरा यूनिट सेल फिर से रिपीट हुआ जो सेम ब्लॉक है, ठीक है, सेम उसका शेप होगा, सेम उसका साइज होगा, सेम उसका एटम अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो ये सेम रिपीटेशन हो रहा है ना, एक यूनिट सेल का दूसरे यूनिट सेल के ऊपर। यही दूसरा यूनिट सेल पीछे भी रिपीट हो रहा है देखो, यही यूनिट सेल इधर भी रिपीट होगा, सामने इस साइड, यही यूनिट सेल इसके साइड में भी रिपीट होगा, ये यूनिट सेल इधर भी रिपीट होगा, ये यूनिट सेल इधर भी रिपीट होगा। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल होता है एक स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर क्रिस्टल। अगर मैं इसका केवल एक ब्लॉक उठा दूं, ये वाला ब्लॉक को उठा करके यहाँ पर रख लूं और केवल इस ब्लॉक की स्टडी कर लूं, तो मैं बता सकती हूँ कि ये एंटायर क्रिस्टल की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है क्रिस्टल का, उसको क्या कहते हैं, यूनिट सेल। इसका मतलब इस क्रिस्टल का एक ब्लॉक को उठा करके रख दो, उसी को आप क्या कहोगे, यूनिट सेल। और इसी यूनिट सेल की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, किस चीज को बताने के लिए, कि कहाँ पर एटम एसोसिएट होता है, कितने उसके कहाँ कहाँ पर लैटिस होता है, कहाँ पर एटम एसोसिएट होता है जिसको मोटिफ कहते हो, और कैसे एक क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। तो एक बार मैं रिविजन आप लोग का करवा देती हूँ कि सबसे पहले हम लोग देखे कि क्रिस्टल क्या होता है। तो क्रिस्टल का मतलब समझ आ गया कि एक होमोजीनियस सॉलिड होता है। होमोजीनियस सॉलिड है, ये आपको दिख रहे हैं कि ये क्या है, सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। सेकेंड टर्म्स क्या बोल रहे हैं, एटम इज अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो मोटिफ पढ़े हम लोग, इसमें क्या देख रहे हैं कि जो एटम्स है, जो एटम्स है वो क्या हुए हैं, ईच लैटिस में जाकर के बैठ गए हैं और एक रेगुलर पैटर्न दिखा रहे हैं आपको इस तरीके का। ये ऐसा, ये सॉरी यार, ये ऐसा पैटर्न और ये ऐसा पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न में वो जमा है, ठीक है। तो अभी आप बताएंगे कि ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, कमेंट में बताइएगा जरूर। ऐसे ही बहुत सारे क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं जिसमें अलग अलग जगह पे एटम अरेंज हो जाता है। हो सकता है कि इस पैटर्न में ना अरेंज होकर के कुछ एटम यहाँ पर आकर बैठ जाए, जैसे आपके कुछ एटम जो है यहाँ पर आके बैठे है ना, ऐसे बैठे, ऐसे बैठे, कुछ इस तरीके से बैठे, कुछ इस तरीके से बैठे, कुछ यहाँ पर बैठ गए, कुछ यहाँ पर बैठ गए, और कुछ मान लो यहाँ पर बैठ गए। तो अब आप क्या करेंगे, इस तरीके के एटम अरेंजमेंट को देखेंगे तो देखो इसमें तो कुछ दूसरा पैटर्न दिख रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है कि जो एटम इस तरीके से यहाँ पर अरेंज हुए हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर भी उनका अरेंजमेंट है ना।
तो वो सेम अरेंजमेंट क्या कर रहे हैं, एटम जो है वो सेम अरेंजमेंट शो करते हैं, तभी वो क्या कहलाएंगे, क्रिस्टल, चाहे उनका अरेंजमेंट किसी भी दिशा में हो, लेकिन अरेंजमेंट जो होगा वो एकदम सेम शो होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसमें शो होगा, एक रेगुलर पैटर्न में एटम अरेंज होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, बाउंडेड बाय स्मूथ सरफेस। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऐसे सरफेस बना है, ऐसे ही मैं कोई और क्रिस्टल ले लूं तो उसमें भी वैसे ही अलग अलग सरफेस होंगे। इस सरफेस को ही, इस स्मूथ सरफेस को ही क्या कहा जाता है क्रिस्टलोग्राफी में, फेसेस, फेस। ठीक है, क्या कहा जाता है, फेसेस ना, कि क्रिस्टल का क्या है, ये फेस है। ठीक है, इसके बाद उसको सिंपली मैंने बता दिया कि जो कॉम्बिनेशन होता है लेटिस और मोटिफ का, यही क्रिस्टल कह सकते हैं आप उसको। लैटिस और मोटिफ क्या है, समझ आ गया। लैटिस जो है वो एक रेगुलर पैटर्न, रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का, जो आपको फर्स्ट डायग्राम में देखने के लिए मिल ही रहा है कि पॉइंट्स का एक रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट हुआ है, और उसी रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स में आकर के मोटिफ आकर के बैठ जाते हैं। तो मोटिफ क्या होगा, कोई एटम जो है ये इस लैटिस के पॉइंट में आकर जब बैठे, तो आप देखोगे कि लैटिस का पॉइंट उस एटम के बीच में एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब आपका एटम क्या हुआ, जस्ट इस पॉइंट के बीच में आकर के बैठ गया, इसलिए आपको एक क्या दिखता है, एक क्रिस्टल की तरह कोई चीज दिखने लगता है। क्यों, क्योंकि एक रेगुलर मैनर में अरेंज है, और क्रिस्टल का डेफिनेशन ही यही है कि वो रेगुलर मैनर में अरेंज होना चाहिए। किन क्या चीज, आपका एटम। तो ये देख रहे हो, ये फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, ये चारों एटम ऊपर से भी 1 2 3 4, ये चारों एटम एक रेगुलर मैनर में अरेंज है, किसके ऊपर, लैटिस पॉइंट के ऊपर। तो यही लैटिस प्लस मोटिफ मिलाकर के क्रिस्टल कहा जाता है। आई होप कि आप लोग को सब कुछ क्लियर होगा, और यही क्रिस्टल को रिप्रेजेंट, या फिर आप उस क्रिस्टल की स्टडी करते हैं उसके यूनिट सेल से। यूनिट सेल का मतलब मैंने बता दिया कि ये अगर आपका पूरा क्रिस्टल है तो इसके एक ब्लॉक को उठा लो, और उसका वही ये एक ठोक ब्लॉक जो होगा ये उसका यूनिट सेल होगा, जिसमें आपको एटम्स का अरेंजमेंट दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी था लैटिस और मोटिफ को। बहुत सारे बच्चे इस चीज पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज पे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम लैटिस और मोटिफ जो है इसमें डिफरेंस भी समझ आ रहा है, और इनको मिला के क्रिस्टल कैसे कहा जाता है। तो उनको भी थोड़ा समझाने में समय लगा, तो मुझे लगा कि ये बच्चों का शायद सभी बच्चों का शायद ये बेसिक प्रॉब्लम है कि उनको लैटिस और मोटिफ में अंतर समझ नहीं आता है। तो आई होप कि मेरे आज के वीडियो से आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, और अगर समझ आई तो प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आप मेरा वीडियो लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आप लाइक का बटन दबा दीजिए। और प्लीज, वीडियो बहुत दिन बाद आया तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगी, तब तक के लिए गुड नाइट।